अल्फाबेट सीरीज का 6 मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हमें एक वर्ड दिया होगा और हमें उस वर्ड को अल्फाबेटिकल अरेंज करना है और हमें ये बताना है कि कितने वर्ड्स सेम पोजीशन पर ही हैं। इससे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड बैंकर आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर देन हाउ मैनी लेटर विल बी एज फार अवे फ्रॉम द बिगिनिंग एज दे आर इन द गिवन वर्ड। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है बैंकर और हमें इसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर करना है और हमें ये बताना है कि कितने लेटर सेम पोजीशन पर हैं। तो अगर हम बैंकर वर्ड को देखें, के ए आर, और अगर हम इन्हें अल्फाबेटिकली अरेंज करें, अल्फाबेटिकली यानी कि फर्स्ट ए, सेकंड बी, सी, डी, ई, इस तरह से अरेंज करें, तो फर्स्ट ए, देन बी, बी के बाद ई, देन के, फिर एन और आर। ठीक है, अब हमने ये अल्फाबेटिकली अरेंज किए हैं। अरेंजमेंट के बाद जो लेटर सेम पोजीशन पर ही हैं वो है के, ठीक है, इसकी पोजीशन नहीं चेंज हुई है, और आर। तो यहाँ पर हमारे पास टू लेटर्स हैं ऐसे जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर टू। ठीक है, तो और कोई भी लेटर नहीं है ऐसा जिनकी पोजीशन यहाँ पर सेम ही रही हो, ऑलमोस्ट और सबकी जो पोजीशन है वो आगे पीछे हुई है। ठीक है, तो दो ही लेटर है यहाँ पर जिनकी सेम पोजीशन है, तो इसका आंसर होगा हमारे पास टू। तो ये टॉपिक था हमारे पास अल्फाबेट सीरीज का। ठीक है, ध्यान रहे कि जो अल्फाबेट है ये हमारी वोकैबुलरी पर डिपेंड करता है कि हमारी वोकैबुलरी कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को 30-40 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं तो आप इन सराई क्वेश्चन को पिक कीजिए, अदरवाइज आप लीव कर दीजिए इन क्वेश्चन को। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम लीव कर दें, किसी और क्वेश्चन पर अपना टाइम लगाएं जो हमें आते हैं। तो आप इस पर भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। वैसे तो इन क्वेश्चन को करने में बहुत ही थोड़ा टाइम चाहिए होता है, कुछ ही सेकंड में इनके आंसर जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।